आरएस मुख्य परीक्षा की समग्र रणनीति को लेके ये एक वीडियो है। किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध जैसे कहते हैं कि आत्मदीपो भव, तो सबसे पहले आरएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए और देखो क्या सिलेबस है। उसके बाद में स्तरीय पुस्तकें छांटो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आरएस मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ें, एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। तो 4 प्रश्न पत्र है और उम्मीद करता हूँ 1 प्रश्न पत्र के लिए कम से कम 2 घंटे मिनिमम आपको देने हैं, फिर आगे बात करें। तो एक छोटा सा टॉपिक ले लीजिए, है ना, जैसे सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी के लिए आपने 2 घंटे निर्धारित किए हैं, सुबह सुबह का टाइम है उसके लिए निर्धारित कर लीजिए। जैसे कि आप 5 बजे उठ गए, 5 से 7 बजे के लिए चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है उसको रख लीजिए। अब एक दिन आप क्या कीजिए, गद्यांश लेकर के बैठ जाइए, गद्यांश पढ़िए, है ना, उसमें गद्यांश का 1/3 पार्ट कैसे किया जाता है वो सीखिए। और 4 या 5 गद्यांश पढ़ने के बाद में उनका अभ्यास कीजिए, है ना, और देखिए राघव प्रकाश की पुस्तक में उन्होंने जो गद्यांश का अनुवाद किया है एक तिहाई में, है ना, संक्षेपण किया है, वैसे के वैसे आप करने की कोशिश करें, है ना। और एक शब्द का चयन करें जब भी आप गद्यांश पढ़ें, ना, जैसे आप आपसे ये कहा जाए कि राम बहुत ही पिछड़ा हुआ है, राम के पास में कुछ भी नहीं है, रोटी रोटी के लिए भी तरस रहा है, मकान भी नहीं है, तो इतनी बातों का मतलब है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित, ऐसे शब्दों का चयन करते हुए आप गद्यांश की तैयारी कीजिए। अब ये टाइम हो गया 2 घंटे का सुबह का टाइम, उसके बाद में फिर छोटा मोटा काम करके उसके बाद के अंदर आप जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसके लिए तैयारी कीजिए। उसमें भी ऐसे कीजिए, एक टॉपिक तय कर लीजिए, है ना, और उसके शॉर्ट्स के अंदर नोट्स बना लीजिए। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए कैसे पढ़ना, आपको प्रारंभिक परीक्षा की जब आप तैयारी करते हो तो तथ्य होते हैं सामने आते हो और विकल्प पे हम टिक लगा देते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर क्या है, हमें लिखना पड़ता है। जैसे गोसुंडी अभिलेख है ना, 15 शब्द में पूछे, तो हमें बताना पड़ेगा भाई गोसुंडी अभिलेख कहाँ पर है, है ना, इसकी कोई विशिष्ट उपलब्धि, क्या जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हमें लिख लिख करके तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि भाई राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आप ऐसे प्रीलिम्स में बता दोगे साहब 1957 में हुई, ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या वो इतना ही लिख देंगे कि संगीत नाटक अकादमी, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा 1957 में जोधपुर में स्थापित है, जिसका प्रमुख कार्य ये है ना। इसी तरीके से आपको कहते राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी मुख्य परीक्षा के अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा बीकानेर स्थित स्थापना कब हुई और किस दिशा में, कि राजस्थानी भाषा के साहित्य और संवर्धन के लिए, है ना, लेखकों को सहायता देने के लिए, ठीक है, और अन्य उपलब्धि क्या है कि साहब जागती ज्योत जो पत्रिका है उसका प्रकाशन। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न निर्धारित करना पड़ेगा। तो जो 2 घंटे है वो आप तृतीय प्रश्न पत्र के लिख लीजिए, ये सुबह का टाइम हो गया। अब दोपहर के टाइम के अंदर आप रख लीजिए एक और प्रश्न पत्र, 2 बजे का टाइम, 2 से 4 या जो भी उपयुक्त करें, और शाम का जो टाइम है वो एक और प्रश्न पत्र के लिए रख लीजिए। तो 4 घंटे का टाइम आपसे मांगा है मैंने, ठीक है, मतलब 4 घंटे सुबह के लिए और 4 घंटे शाम के लिए। इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, यानी कि 4 घंटे, अगर और अच्छे 10 घंटे कर सको, 12 घंटे कर सको तो अलग बात है, बाकी 4 प्रश्न पत्र है, है ना, और 4 घंटे मैंने आपसे मांगे हैं। अब सिलेबस पे फोकस करूँ, जैसे सिलेबस है भारतीय संविधान का एक पाठ्यक्रम है, ठीक, तो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक आपने चयन कर लिया। अब टॉपिक क्या है, कि टॉपिक ऐसा भारत की राजनीति के अंदर जाति, तो कितने शब्दों में पूछ सकते हैं, या तो 15 शब्द में पूछ सकते हैं, या 50 शब्द में पूछ सकते हैं, या 100 शब्द में पूछ सकते हैं। तो पहले तो 15 शब्द में आपको आना चाहिए जाति क्या है, ठीक है, फिर 50 शब्द में आनी चाहिए जाति की भूमिका, और 100 शब्द में भी आनी चाहिए जाति की भूमिका, और जाति की भूमिका 15 शब्द में पूछ ले तो और भी संक्षेपण करने की कला आनी चाहिए। तो दोस्तों है क्या, देखो पहले तो जाति में बताइए कि भाई ये है ना पीढ़ी दर पीढ़ी है, वंशानुगत है जाति, पहली चीज तो ये बताइए, ठीक है, सामान्य से परिभाषक है। फिर पूछे, अगर 15 शब्द में ये पूछे कि भारत की राजनीति के अंदर जाति की भूमिका क्या है, तो सीधे 5 पॉइंट रटो, है ना, वही मुख्य परीक्षा में काम आएंगे, ठीक है, 100 शब्द में, वही 50 शब्द में, वही 15 शब्द में। राजनीति के अंदर जाति की भूमिका कहाँ है, तो देखो सबसे पहले चुनाव के समय में, जब चुनाव होता है, जब वोट दिए जाते हैं तो जाति की भूमिका है। वोटर के द्वारा वोट देते समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व बहुत बार ये देखा गया है। इसके अलावा वोटर को जो लुभाने की जो कोशिश की जाती है वो जाति के नाम पर की जाती है। फिर और कैंडिडेट का जब कोई भी पार्टी
चयन करती है कि भी किसको विधानसभा का प्रत्यक्ष बनाना, तो उस समय जाति की भूमिका देखी जाती है, ठीक है। फिर मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें जाति की भूमिका देखी जाती है, बैलेंस किया जाता है जातिगत संतुलन को। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी है उसमें भी जाति को देखा जाता है, तो है ना। अब ये पॉइंट हो गए, और यही 100 शब्दों में पूछ ले आपसे, तो फिर उसमें क्या देखो, जो भूमिका है ना, भूमिका को भी बताना है, और भूमिका सिर्फ सकारात्मक सकारात्मक नहीं बतानी, नकारात्मक भी बतानी है। जाति को कोई बढ़िया चीज नहीं कह सकते, तो बताओ कि भाई जाति की नकारात्मक भूमिका भी है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट नकारात्मक भूमिका भी बताओ कि राष्ट्र एकीकरण के अंदर, नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर जाति बहुत ही बाधक तत्व है, ये चीज भी आपको फोकस करनी है, ठीक है। फिर जाति आवश्यक बुराई है, इस तथ्य को भी आपको उल्लेख करना है। फिर आपको यह कहना है कि जातिगत जो प्रभाव है उसके संकीर्ण प्रभाव को जोड़ करके उसे गतिमान इकाई के रूप में बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब है, बात वही कहनी है लेकिन लपेट करके कहनी है, जिसमें कि आपको ये नहीं लगे परीक्षक को चेक करते समय कि आप खुद एक जाति के प्रभाव में हो या आपकी भी बाइसनेस है। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा के अंदर आपको उत्तर देने हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी टॉपिक है ना, वो आप टॉपिक ले लीजिए, जैसे भारत में संस्कृतिकरण है, है ना। अब संस्कृतिकरण जब आप पढ़ोगे ना, तो हो सकता है 2 पेज में 3 पेज में हो, दुनिया भर की परिभाषाएं दी होगी संस्कृतिकरण की, तो सबसे जो अच्छी परिभाषा है ना उसको आप लिख लीजिए। कैसे है ना, है क्या कोई भी परिभाषा, देखो जब आप लोक प्रशासन में परिभाषा को परिभाषित करो तो लिखो वह लोक प्रशासन की अवधारणा, प्रबंधन में लिखो तब लिखो वह प्रबंध की अवधारणा, दर्शन शास्त्र में लिखो तब लिखो वह प्रबंध की वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा, नीति शास्त्र में वह नीति शास्त्रीय अवधारणा, राजनीति के अंदर वह राजनीतिक अवधारणा। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर है ना वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। तो संस्कृतिकरण के अंदर किसने दी कोई भी अवधारणा, कैसा इसने दी, और अगर किताब का नाम है, किसी किताब में दी और उसका लिख सको और सामने कोष्टक में साल लिख सको तो सोने पे सुहागा। एम श्री, फिर समाजशास्त्री एम श्रीनिवासन द्वारा जो भी साल है उसमें इस पुस्तक के अंदर दी गई समाजशास्त्रीय अवधारणा, जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से तादात्म्य स्थापित करने के लिए उनके खान पान रहन सहन विचार आचार है ना उनको अपनाने की कोशिश करती है। तो इसमें भी जो निम्न जाति उच्च जाति का अनुकरण करती है उसमें जितने ज्यादा पॉइंट डाल सको ना उतनी बढ़िया है। इसी तरीके से आपको समाजशास्त्र ये परिभाषा पूछे कि भाई ये है क्या, क्या है, तो यानी कि विशेषताएं, संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है, है ना। तो उसमें 7 परिभाषाएं दी जाती है कि 7 तत्व बताए जाते हैं, है ना। सारी परिभाषाएं जब खत्म हो जाती है तो कहा जाता है कि निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण वह है। तो वो जो 7 पॉइंट लास्ट में निकल करके आते हैं ना किसी भी किताब के अंदर, वो किसी भी विषय के लिए कोर पॉइंट है, उस विषय की आत्मा है। जैसे लोक प्रशासन की परिभाषाएं आप पढ़ते हैं ना, अंत में आप पढ़ते हैं कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन वह सरकारी प्रशासन है जिसका कार्य लोक नीति को लागू करना होता है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो अंत में जो परिभाषा सारे समग्र तत्वों को कहते हुए जो बात कही जाती है ना, वो अपने उत्तर में परिभाषा लिखो। जब नोट्स बना रहे हो तो देखो आपके परिभाषा के अंदर सारे के सारे समग्र तत्व आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब नीतिशास्त्र है, नीतिशास्त्र की परिभाषा लिखो तो भी लास्ट के अंदर कहा जाता है कि नीतिशास्त्र वह है जिसमें, फिर 7 पॉइंट बताए जाते हैं कि नीतिशास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान भी है, ये व्यवहार मूलक विज्ञान भी है, ये सिर्फ तथ्यगत नहीं होकर के व्यवहारगत भी है, ये आचार को सुधारता है, ये जीवन के परम उद्देश्यों का बोध कराता है, हमें जीवन जीने की कला बताता। तो ये 7 पॉइंट हुए, तो आपके लिए क्या हो गया कि नीतिशास्त्र वह अवधारणा है जिसमें। तो कहने का मतलब है मुख्य परीक्षा के लिए आप जब नोट्स बना रहे हो स्तरीय पुस्तकों से, तो सारे के सारे तत्व आपके आ जाने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप यूं समझो कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखना है, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी, क्योंकि बुक से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया कि कौन कौन सी किताबें हैं तो वो आप देखना। तो आपसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है, है ना, या आपका नाम है रामलाल और मैं आपसे कहूं आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहते हो साहब मेरा नाम रामलाल है, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी प्रीलिम्स की मेरी तैयारी हो गई है और मैं मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सपना है कि साहब मैं बहुत अच्छे रैंक पे आ जाऊँ, तो ये परिचय नहीं है। ये आप आरएस के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने परिचय की बात नहीं कर रहे हो। तो आप अपना परिचय कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, अमुक गाँव का यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरी डिग्री है। तो इस तरीके से जो है ना ये बात आप मुख्य परीक्षा के अंदर जब आप
उत्तर लिखो तब ये बात आनी चाहिए। तो आपके उत्तर में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सार तत्व होना चाहिए, है ना। इधर उधर की बातें नहीं होनी, सीधा टू द पॉइंट। जैसे आपसे पूछे कि भाई धर्मनिरपेक्षता क्या है, है ना, तो आप बताओ धर्मनिरपेक्षता वह उदाहरण है, है ना। फिर अगर आपसे पूछे भारत में धर्मनिरपेक्षता, तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात करो। आपसे पूछे कि वैश्वीकरण क्या है, तो बिना कोई भूमिका में समय खराब किए सीधा टू द पॉइंट आओ कि वह ग्लोबल विलेज पर आधारित वह अवधारणा जिसके अंतर्गत सारी दुनिया ये गांव हो चुकी है, मैकलान की अवधारणा, मतलब टू द पॉइंट उसकी जितनी भी विशेषताएं ना, 6 या 7 विशेषताएं जो परिभाषा के अंदर आती है, उसको आप अति संक्षेप के अंदर बताने की कोशिश करो। जैसे गुड गवर्नेंस है, अब गुड गवर्नेंस में आप ये सोच रहे हो साहब क्या है, हमें पता है गुड गवर्नेंस है, रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, रोज पढ़ते हैं हम और रोज सुनते हैं कि गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस। लेकिन वही बात दोस्तों, जब लिखने की बात आती है तो लिखा नहीं जाता। घर से जो रटा हुआ होगा ना, देखो लोग सच बताते नहीं है और गप्पे मारते हैं कि साहब हमने तो कोई तैयारी नहीं की, मुख्य परीक्षा में सीधा लिख के आ गए, दावा है गारंटी है जब तक यहाँ घर पर नहीं लिखोगे अच्छा उत्तर नहीं लिखा जाएगा। प्रेम सुख डेलू कहते हैं कि मैंने एक एक क्वेश्चन के लिए इतनी प्रैक्टिस की, ये हाथ है ना यहाँ पे निशान हो गए। तो दोस्तों जो सच्चे कैंडिडेट है वो यही कहते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए लिख लिख करके अभ्यास करो, जितना लिख सकते हो लिखो और जितना बोल सकते हो बोलो। जैसे कि आज अभी गुड गवर्नेंस में बता रहा हूँ ना, तो गुड गवर्नेंस के अंदर 15 शब्द में पूछे तो घर से फिक्स पैटर्न रखो कि विश्व बैंक द्वारा 1988 में दी गई 88-89 जो भी इनमें दी गई वह अवधारणा जिसमें विधि का शासन कोमा जनता की भागीदारी कोमा उत्तरदायी संवेदनशील प्रशासन और 3-4 पॉइंट जोड़ करके इसमें जोर है। और यही चीज 50 शब्द के अंदर आपको कहे तो आप बता दो विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित कोष्टक में साल दे दो वह अवधारणा जिसमें इन इन चीज़ों पे 7-8 पॉइंट उनका नाम बता दो, इन चीज़ों पे जोर दिया गया है। साथ में बात बता दो भारत में कौटिल्य द्वारा समर्थन या कौटिल्य द्वारा भी विकसित, ठीक है। फिर आप इसके अंदर बताओ कि वर्तमान, मतलब 50 शब्द में पूछ रहा है तो 3-4 पॉइंट ही बता दो कि गुड गवर्नेंस के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ है। तो सरकार के द्वारा पब्लिक चॉइस बात हो गई, सूचना के अधिकार की बात हो गई, ई गवर्नेंस की बात हो गई, लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात हो गई, जनता की भागीदारी के लिए नागरिक चार्टर की बात हो गई। तो इस तरीके से सवाल कैसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से उत्तर लिखना है। लेकिन आपको तो बस जो भी टॉपिक सिलेबस के अंदर दे रखा है आप ये मान करके चलो कि मुझे इसके लिए 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्द रात को उठाकर भी पूछे कि साहब राजस्थान में मुख्य सचिव के पद की स्थिति, तो ये लो साहब 15 शब्द में ये, 50 में ये और 100 में ये। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अगर जो अभी तक बताया उसका सार तत्व तो बताऊं तो यही है कि सिलेबस पे फोकस करो, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनमें से सवाल उठाओ, खुद लिख करके अभ्यास करो, दोस्तों को दिखाओ कि भाई मैंने जो उत्तर लिखा है वो कैसे हैं, जो टॉपर्स है उनकी कॉपी देखो और उसमें देखो कि वो कैसे उत्तर लिख रहे हैं, क्या उन्होंने लिखा जो उनके अच्छे नंबर आए हैं। तो और जो भी पढ़े स्त्रीय जो पुस्तकें हैं वो पढ़ें और सोशल जो मीडिया है उससे दूर रहिए। दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए बस आबाद रहिए और निष्काम कर्म योद्धा की तरह अपनी तैयारी करते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, और कुछ अच्छा लगे और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की संपूर्ण रणनीति, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा साक्षात्कार से देने की कोशिश की जाएगी। जोश जुनून और जिद की बातें भी इसी चैनल पर की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।